करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक टॉपिक, एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है S&P। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स S&P, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। और आप जैसे देखते हैं, आप लोगों को जैसे ऋण प्राप्त करना होता है, बैंक से लोन लेना होता है, तो आपका क्रेडिट रेटिंग देखा जाता है। बहुत सारे आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी एजेंसीज हैं जो कंट्रीज़ की रेटिंग करती हैं, ठीक है। तो अभी भारत की रेटिंग जो है, पहले स्थिर कैटेगरी में थी, अब सकारात्मक कैटेगरी में कर दिया गया है। जो भी निवेशक होता है पहले एक बार रेटिंग देखता है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है ना, कोई भी बैंक आपको ऋण देगा तो पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा कि इससे पहले कभी आपने ऋण लिया था कि नहीं लिया था, लिया था तो समय पे चुकाया था कि नहीं चुकाया था। तो आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा और उसी के आधार पर आपको ऋण मिलता है। उसी तरीके से यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक भारत में आता है तो भारत की रेटिंग देखता है, ठीक है। तो सरकार के आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए अमेरिका की रेटिंग जो एजेंसी है S&P के द्वारा 10 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक कर दिया है। पहले क्या थी आपकी? स्थिर। अपग्रेड किया है, स्थिर से सकारात्मक कर दिया है, तो इससे ऋण प्राप्त होने में देखिए क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है। जब भी सॉवरेन रेटिंग आपकी बढ़ती है ना, तो किसी भी देश में निवेश ज्यादा आता है, क्योंकि सॉवरेन रेटिंग से क्या पता चलता है कि किसी देश में निवेश करने का जोखिम कितना है। तो निवेशकों को सबसे पहले बताता है कि कोई भी निवेशक जब किसी कंट्री में आएगा तो उसका पैसा डूबेगा तो नहीं, है ना, यानी देश कर्ज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। कई देश जरूरतों के हिसाब से कर्ज लेते हैं, भारत सरकार भी कर्ज लेती है, तो निवेशक कर्ज देने से पहले सॉवरेन रेटिंग ही देखते हैं। ज़्यादा रेटिंग पर कम जोखिम माना जाता है और कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। जब अच्छी रेटिंग होती है तो ब्याज दर भी कम लगती है। तो भारत के संदर्भ में अभी साख बेहतर हो रही है, इससे विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा भारत के ऊपर और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर आकर के निवेश कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना बहुत सिंपल सा है। तो भारत की जो है रेटिंग बढ़ चुकी है, सॉवरेन रेटिंग स्थिर से सकारात्मक आ चुकी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा। भारत का जो मजबूत विकास चल रहा है 5 वर्षों में, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर में खर्च किया जा रहा है, बेहतर गुणवत्ता हो रही है, सुधार हो रहे हैं, राजकोषीय नीतियां बहुत व्यापक स्तर पर बन रही हैं और एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट है। देखें जाए तो पिछले 10 साल से जो सरकार काम कर रही है उन सब का आधार बनाकर रेटिंग एजेंसी काम करती हैं, ठीक है। नीतियां भी स्थिर हैं अपने आप में, तो इस कारण से जो है ये एक बहुत बड़ा जो है भारत के लिए बेहतर जो है सकारात्मक रेटिंग होना भारत के निवेश के लिए बहुत बेहतर है। तो ये एक बड़ी रेटिंग एजेंसी है और इसका प्रभाव पड़ता है, इस रेटिंग एजेंसी की रेटिंग देखते जरूर है। तो S&P की रेटिंग को लेकर डिस्कशन हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, S&P की रेटिंग की बात हो गई, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि अभी कई सारे बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। आप सभी को पता है सागरमाला परियोजना चल रही है, बहुत सारे काम भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है, जो पूरी तरीके से नया पोर्ट है, ग्रीन फील्ड पोर्ट है, मतलब अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं था, अब वो एक नए तरीके से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है। लगभग 76,200 करोड़ की लागत आ रही है इस बंदरगाह की, 76,200 करोड़ की लागत से एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है। इस बंदरगाह का नाम क्या होगा? इस बंदरगाह का नाम है बधावन बंदरगाह। बधावन कहां बन रहा है? ये महाराष्ट्र में बन रहा है। कहां बन रहा है ये बधावन बंदरगाह? कहां बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है। पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड है। दो तरीके की परियोजनाएं होती है, एक होती है ब्राउन फील्ड, दूसरी होती है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड होती है जो ऑलरेडी कोई ना कोई संरचना उसमें बनी हुई है और उसका रिनोवेशन करते हैं, ठीक है, रिनोवेट करते हैं, कुछ नया स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। और ग्रीन फील्ड परियोजना पूरी शून्य स्तर पर, ग्रीन फील्ड समझते हैं ना, हरी घास का मैदान, बिल्कुल जीरो से काम चालू करना ग्रीन फील्ड है ना। तो ग्रीन फील्ड बंदरगाह बन रही है ये, और 19 जून 2024 को मंजूरी प्राप्त हुआ था
और इस पोर्ट का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, बीपीपीएल बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, और साथ में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, बगल में जवाहरलाल नेहरू न्यासा सेवा है ना आपका मुंबई में, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और आपका बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिल करके किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से ऐड हैं, कौन कौन से जुड़े हुए हैं इस पोर्ट में, कौन कौन साथ साथ में जुड़े हुए हैं, एक तो आपका बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये तो है ही, ये अथॉरिटी बनाई गई है आपकी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA, ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, ठीक है, MMB बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, ये मिल के बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बधावन पोर्ट, क्या बना रहे हैं मिल के, ये बधावन पोर्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मिल के, बधावन पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। टोटल 74% और 26%, इसका 26% है इसमें और इसका जवाहरलाल नेहरू का 76% है, ठीक है, ये दोनों का जो है एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर है, इसको हम संयुक्त उपक्रम के तौर पे देखते हैं, इनकी अलग अलग हिस्सेदारी है दोनों की। तो बधावन बनने वाला पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा, लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस परियोजना से, और यहाँ पे कई सारे कंटेनर टर्मिनल बनाए जाएंगे, 9 कंटेनर टर्मिनल इसमें बनाए जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा बंदरगाह ये बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड के टॉप 10 बंदरगाह में ये आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता किस स्तर पे इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है। तो एक नया पोर्ट बन रहा है बधावन पोर्ट, ठीक है, ये आप कुछ तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये पोर्ट की तस्वीर है, पोर्ट पे बड़े बड़े सीप आते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे एयरलाइंस आती हैं, है ना, स्टेशंस रेलवे स्टेशंस में ट्रेन आती हैं, उसी तरीके से जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सीप आते हैं, ठीक है, और यहाँ से उद्योगों के लिए बहुत खास होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है वो यहाँ पर है, टर्मिनल है आपका जिसको न्यासा सेवा कहते हैं, मुंबई पोर्ट है, और उसके जस्ट ऊपर आपका बन रहा है ये बधावन पोर्ट, है ना, नया बन रहा है बधावन। बाकी आप देख रहे हैं गुजरात के हजीरा है, कांडला है, बाकी ये सारे, ये एक मैप है जिसमें भारत के सारे पोर्ट है, ट्रेड रूट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कुछ बधावन पोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो बधावन पोर्ट आप सभी को ध्यान में रखना है। अब अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। अब आपको ये लगेगा कि सर ट्रांसशिपमेंट हब क्या होते हैं, ठीक है, दरअसल इसे बना रहा है विझिम्बम पोर्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है, विझिम्बम पोर्ट को बनाया जा रहा है, विझिम्जम, एक बार मैं लिख देता हूं, विझिम्जम इसको बनाया जा रहा है, भारत का पहला मतलब फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है इसको? अडानी समूह बना रहा है, ठीक है, अडानी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब ये ट्रांसशिपमेंट होते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी जो आपका कार्गो माल है वो एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो होता क्या है कि जैसे एक जहाज से दूसरे जहाज पर उसको क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको मतलब माल को जो है अनलोड कर दिया जाता है, दूसरे उसमें डाल देते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह वो होते हैं जहां जहाज से, एक जहाज से माल उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक जहाज आया है ना विझिम्जम पोर्ट में आया, तो यहाँ पर इसमें जो भी माल है वो माल दूसरे जो दूसरा बंदरगाह दूसरा आपका जो शिप खड़ा है उस पर पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी ये यहीं तक जाएगा और इसके बाद आगे दूसरा बंदरगाह जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट का काम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह एक प्रकार के पारगमन केंद्र होते हैं जहाँ एक जहाज से माल को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुँचाने के लिए दूसरे जहाज में स्थानांतरित करने के लिए काम किया जाता है। तो अभी ये कार्गो का सबसे बड़े जहाजों में से एक है, विझिम्जम पोर्ट को भारत का पहला बनाया जा रहा है, और ये बना कौन रहा है, अडानी पोर्ट के द्वारा मिलकर के बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? अडानी पोर्ट मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अभी तक ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट का काम हम सिंगापुर से करते हैं, कोलंबो से करते हैं, लेकिन अब भारत में भी बन रहा है वजिंजम पोर्ट। अभी तक हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, ये भारत का पहला बन रहा है। ठीक है, तो पहला बन रहा है इसलिए आपको ध्यान में रखना है, और इसको अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और वजिंजम ट्रांसशिप प्रोजेक्ट के द्वारा मिलकर के इसको एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं वजिंजम पोर्ट, ये अडानी ग्रुप के द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है आपका। अब देखिए, हमारे आपको पता है कि आरबीआई के पास सोना होता है, ठीक है, तो यदि हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास, वहां का जो फेड रिजर्व है उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, लगभग 8133 टन सोना जो है अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पे चाइना के पास है सोना, तो भारत के पास कितना है, लगभग 822 टन। आज के हिसाब से भारत के पास टोटल सोना कितना है, गोल्ड कितना है, 822 टन, जो हमारे आरबीआई के पास है। ठीक है, रिजर्व बैंक ही मेंटेन करके रखता है इसको। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना मंगाया गया है। ब्रिटेन से कितना मंगाया गया है, 100 टन सोना भारत मंगाया गया है। देखो, 882 जो सोना है हमारे पास, ये पूरा भारत में नहीं है, टोटल 413 टन अपने भारत में है, बाकी विदेशों में जमा है, विदेशों में हमने रख रखा है। आपको पता है 1991 में बहुत बुरी स्थिति हुई थी, भारत जो है एक तरीके से दिवालियेपन के कगार पे आ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो गई थी, तो हमने आरबीआई ने अपना पूरा सोना जो है गिरवी कर दिया था, ठीक है, आईएमएफ को दे दिया था, तो वो सोना अभी भी विदेशों में रखा हुआ है, 413 टन सोना विदेशों में जमा है, तो वो सोना अभी वापस आ चुका है, लगभग उसका 100 टन अभी मंगाया गया है, 100 टन सेना अभी मंगाया गया, 313 टन अभी बाहर ही है। तो अभी आरबीआई ने पिछले कई सालों में से अभी इस बार जो है सोना को वापस मंगवाया गया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आरबीआई का सोने का भंडार लगातार बढ़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है इसको लेकर के, तो आरबीआई के द्वारा सोना जो है भारत में वापस मंगवाया गया है, और मिंट रोड में जो है रिजर्व बैंक की एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, वहीं पर सोना रखा जाता है, तो वहीं पर सोना को ये जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तो गोल्ड रिजर्व से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है, और भारत 9th रैंक आती है भारत की, सोना रिजर्व में भारत की रैंक कितनी आती है, 9वीं रैंक आती है, अभी हम बहुत पीछे हैं गोल्ड रिजर्व के मामले में, लेकिन 822 टन सोना हमारे पास है। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बूस्ट करते चले जाएं। अब एक सूचकांक है आप सभी का, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। आप सभी को पता है कि जो कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इन कंटेनर में जो बहुत सारा माल होता है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट मतलब पहुंचता है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो आपका होता है, कंटेनर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको लेकर एक सूचकांक जारी किया गया 19 जून 2024 को, एक सूचकांक जारी किया गया विश्व बैंक और S&P और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इन तीनों के द्वारा मिल करके जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक, S&P और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, कि विश्व में कौन से बंदरगाह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेनर्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्य होता है, ठीक है, तो इसमें कई सारे बंदरगाह लिए गए, लगभग 450 से ज़्यादा बंदरगाह लिए गए। भारत के यदि बंदरगाहों की बात करें तो भारत के भी बंदरगाह टॉप में आते हैं, नंबर एक में आपका आता है चीन का यांगशान बंदरगाह, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा कंटेनर होते हैं, नंबर एक पर है आपका यांगशान बंदरगाह, नंबर एक पे आपका यांगशान बंदरगाह है, नंबर एक पे यांगशान बंदरगाह नंबर एक पे, ठीक है, ये चाइना का है, और इसी के साथ जो है दूसरा है ओमान का सललाह बंदरगाह, यहां पर बंदरगाह में सललाह बंदरगाह, यहां पे कंटेनर सबसे ज्यादा हैं, चाइना का यांगशान बंदरगाह और सललाह बंदरगाह ओमान का आपका, ठीक है, ये नंबर एक है। इसके बाद आपका कार्टाजेना बंदरगाह है, तीसरे नंबर पे है कार्टाजेना, कार्टाजेना बंदरगाह। भारत का जो बंदरगाह है भारत में है 19वें नंबर पे आता है विशाखापट्टनम, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह में से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है,
प्राकृतिक बंदरगाह है आपका। तो भारत में मतलब विशाखापट्टनम 19वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर है मुंद्रा बंदरगाह, 20वें नंबर पर हमारा आता है मुंद्रा बंदरगाह जो कंटेनर शीर्ष कंटेनर बंदरगाहों में है। तो बस आपको रफली बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 की किस पोर्ट में कंटेनर्स की क्या स्थिति है, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठाना है सभी को, स्पष्ट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो एक तो आपका कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक है, यांगसान बंदरगाह नंबर एक पर है, भारत का विशाखापट्टनम है 19वें नंबर पर, आरबीआई ने 100 टन सोना मंगवाया है वापस, ठीक है, लंदन से मंगवाया है, ब्रिटेन से। और इसके अलावा जो है ये आपका विजिंजम पोर्ट है, इसको अडानी ग्रुप भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये बधावन पोर्ट आपका बन रहा है, नया पोर्ट बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड पोर्ट आपका बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है आपका बधावन। और इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था बधावन, हाँ एक हमारा हुआ था S&P के द्वारा जो है भारत की जो रैंकिंग है, रेटिंग एजेंसी S&P के द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग स्थिर से सकारात्मक की गई है। तो ये आपके करंट अफेयर्स हैं, इनको आप याद करिए, ये आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है। देखो ये देखा जाए तो इकोनॉमी जो है परिदृश्य से ज़्यादा जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सारी बातें थी। आगे अभी हम कंटिन्यूस रखेंगे, लगातार आप सभी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स जब तक मैं हूँ तब तक आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको पढ़ते रहना है, क्लास करते रहना है, ठीक है। चलिए।